हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में जो है इंग्लिश का बुक जो है उसका 6th चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। द आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, और ये एक कहानी है जो सुनने में बहुत मज़ा आएगा। एक वैसन लड़का की कहानी है जेकर दिलचस्पी जो है लौकी में होता है, लौकी जिसका सब्जी हम लोग बनाते हैं उसी में दिलचस्पी होता है, लेकिन उसके माता पिता उसको डांट के और बहुत मारते पीटते हैं। मज़ा आएगा कहानी सुने में, सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जो है इनके जो राइटर हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ दो चार प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे द आर्टिस्ट चैप्टर के राइटर कौन है? द आर्टिस्ट चैप्टर के राइटर हैं सिगा नोया। याद कैसे करेंगे? आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार, और सिगा को सुगा से रिलेट कीजिए। जो कलाकार होता है नया नया, नोया नया नया रहता है, तो पहले सुगा बनाने वाला स्टार्ट करता है। जैसे आप लोग भी बचपन में होंगे तो पहले सुगा बनाने वाला स्टार्ट किए होंगे। तो द आर्टिस्ट के राइटर सिगा नोया, हो गई याद। अब जो है इनके जन्म के बारे में चलेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो सिगा नोया जी का जन्म जो है 20 फरवरी 1883 में हुआ था। सिगा नोया जी का जन्म जो है 20 फरवरी 1883 में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 21 अक्टूबर 1971 को, लिखा होगा बोर्डवा पे 21 अक्टूबर 1971 को इनका जो है मृत्यु हो गया था। इनसे रिलेटेड एक दो और प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है जापान में हुआ था, ठीक है। ये कैसे जो है राइटर थे? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगर इंग्लिश में कहल जाए तो इंग्लिश में कहल जाता शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड हिंदी में लघु कथाकार कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड इतने प्रश्न पूछेगा कि ये जो हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, ये कहाँ के थे, और ये क्या क्या थे, कैसे राइटर थे। बस अब कहानी के स्टार्ट करल जाता है। कहानी में जो है वो लड़का रहता है जो सेवई नाम के रहता है। सेवई जो हमने के खाते हैं ना, सेवई वैसने ओकने के नाम रहता है, बिकॉज ये जो है जापान के है, तो सेवई जो है इसका नाम होता है। और ये हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन मीन्स जो है एगो होता है बंदरगाह, ठीक है। हार्बर टाउन, ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि वेयर डू लिव सेवई, यानी कि सेवई कहाँ रहता है। तो हार्बर टाउन में जो है सेवई रहता है, और यह 12 साल का था, ठीक है। सेवई एक लड़का था जो हार्बर टाउन में रहता था, और ये 12 साल के था, और 12 साल के था आ फिर भी जो है यह अभी भी जो है प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। प्राथमिक है का मतलब कि प्राइमरी, एक से लेके पाँचवा तक स्कूल जो नहीं होता है उसी में पढ़ता था। तो सेवई जो है हार्बर टाउन में रहता था, 12 साल के था, और वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। एकरों से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब बातें करते हैं कहानी के बारे में। तो सेवई एक ऐसा लड़का था जिसका हॉबी मतलब खूबी कहते हैं, जो आप नींद में भी वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हॉबी है पढ़ाना, हम नींद में भी अब आपको आके पढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार सबका अलग अलग हॉबी होता है। तो इस सेवई एगो लड़का था जापान के, जिसका हॉबी था लौकी इकट्ठा करना। लौकी मतलब जानते हैं सब्जियाँ जेकर बनता है, लौका जेकरा का तो कहा जाता है, हाँ। तो उसी का इकट्ठा करना, उसी पे जांच करना, उसी पे उसको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे कोई के शौक होता है गाड़ी इकट्ठा करना, अलग अलग कंपनी की गाड़ी, तो वैसे ही सेवई का शौक था लौकी इकट्ठा करना और जांच करना, ठीक है। लेकिन इस शौक से जो है उसके माता पिता हमेशा नाराज रहते थे कि कैसन शौक है जिसमें तुमको कभी सफलता ही नहीं मिलेगा। सेवई के माता पिता कहते थे कि ये तुम्हारा शौक जो है एक दिन तुम्हें ले के डूब जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, अगर हमू घर लौका इकट्ठा करे वाला काम करे लगे तो माई बहू मार के बिला देगा। तो उसी प्रकार सेवई के साथ भी होता था। लेकिन सेवई का शौक ऐसा था कि वो कहीं भी बाजार में अगर लौकी देख लेता था
तो वहीं पे वो रुक जाता था। अगर स्कूल भी जाता था तो लौकी को लेकर के जाता था, लौकी को लेकर के आता था। ये शौक उसका गजब का था। आगे इस कहानी में हम आपको बताते हैं कि सेवई अपने शौक में इतना विलीन था कि वो अपने पढ़ाई को जो है छोड़ देता था, अपने माता पिता की कामों को छोड़ देता था, इग्नोर कर देता था। एक समय की बात है कि सेवई जो है एक समुद्र किनारे बैठा हुआ था, समुद्र किनारे बैठकर कुछ बातें सोच रहा था। तो अचानक उसे एक बूढ़े जो लोग होते हैं उनके सिर पे बाल नहीं थे, उसी पे नज़र पड़ता है। अब सेवई के लगता है कि इतना चिक्कन जिकन मतलब कि स्मूथ लौकी जो है समुद्र के किनारे कहाँ से आ गया। अचानक वो बूढ़ा जो है वहाँ से चला जाता है। तब एकरा पता चलता है कि वो कोनो लौकी नहीं था, वो एक बूढ़े का सिर था। शौक ऐसा चीज़ है कि उसको जहाँ दिख रहा था जहाँ लौकी दिख रहा था तो वो अपने आप पे जो है हंसने लगता है कि देखिए हम क्या सोच रहे थे, वो लौकी नहीं था, वो एक्चुअल में एक बूढ़े का जो है सिर था। आगे जो है बातें चलता है तो आगे कहता है सेवई जो है सेवई के साथ आगे यह होता है कि जब वह बाज़ार में जाता है तो लौकी खरीद कर ही वो रिटर्न आता है। अगर वो बाज़ार में घूम रहा है तो वो बिना लौकी के रिटर्न घरे नहीं आ सकता है। वो एक ना एक लौकी घर बाज़ार से लेकर आता था और दीवार में एकदम लाइन से टांग के रखे रहता था, ठीक है। तो सेवई जब भी बाज़ार जाता था एक लौकी लेकर आता था, लौकी लेकर घरे आता था तो सबसे पहले जो है उसमें वो छोटा सा छिद्र करता था, छिद्र मतलब बिल करता था। तो उस लौकी में जो है एक छिद्र करता था, उसके बाद जो है उस लौकी को जो है चिकन करता था। चिकन कहने का मतलब कि ऊपर से प्रेस करता था जिसके कारण लौकी साफ़ हो जाती थी। उसके बाद एगो तौली से उसे लपेटता था और उसे टीना में बंद करके रख देता था। रात भर रखने के बाद जो है वो सुबह देखता था कि इसमें जो है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही उसका शौक था कि लौकी को जुटाना, उस पर सर्च करना और उसको उसके बारे में जो है जानना, लौकी के बारे में ही काम करना सेवई का जो है शौक था। तो यही शौक जो है उसके पिताजी को जो है अच्छा नहीं लगता था। बाज़ार से लाता था लौकी, उसके बाद उसे घर में लाने के बाद सर्च रिसर्च करना स्टार्ट कर देता था। एक समय की बात है जब उसके घर पे जो है उसके पिताजी के दोस्त जो हैं आते हैं, कहते हैं कि मुझे एक फ़ोन करना है, आप अपना फ़ोन दीजिए। तो उसी समय जो है उसके दोस्त का नज़र जो है उसे लौकी के रूम पर पड़ जाता है। सेवई जो रूम में लौकी रखे रहता है उसी पर सर्च रिसर्च करने लगता है, तो उसी पर जो है उसका नज़र पड़ जाता है। अब सेवई के बारे में जो है पिता और उसके दोस्त जो है दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आपके बेटा जो है क्या कर रहे हैं, इसमें उसका लाइफ नहीं है, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए। सेवई ये सब बातें जो है सुनते रहता है और मन मन में जो है हंसते भी रहता है कि ये मेरे बारे में जो है बातें कर रहे हैं। फिर जो है अचानक सेवई के पिताजी और उसके दोस्त के बीच में जो है एक लौकी की बातें होने लगती है। उसके पिताजी उसके दोस्त से कहते हैं कि याद है तुम पिछले सीजन में बसंत ऋतु में जो है तुम्हारे पास लौकी थी। अब लौकी में दिलचस्पी है सेवई के, तो ये वाला बात जो है गौर से सुनने लगा सेवई और सुनने लगा तो बीच में जो है कमेंट कर देता है कि हाँ हमने भी देखा था, बहुत सुंदर और बड़ा लौकी था। अब ये बात सुन के उसके पिताजी जो है गुस्सा जाते हैं और उसको डांट देते हैं कि जब तुमको पता नहीं हो कि दो आदमी के बीच में क्या बातें चल रही है तो तुमको उस बीच में जो है नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो सेवई वहाँ पे जो है डांट खा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस लिए वह डांट खाता है, तो दो आदमी उसके पिताजी और दोस्त जब बातें करते रहते हैं तब बीच में बोल देता है, ऐसे अगर हमनियों के घरे होके तब हमनियों के डांट खाएंगे, सिंपल सी बातें हैं। अब आगे होती है कहानी में ये क्या, तो एक बूढ़ी महिला जो है सिर पे टोकरी लेके
कुछ संतरे और सूखा हुआ खुड़मा बेचती है। जिसे हमनियों के तरफ देखिएगा, टोकरी में महिला लोग जो है कुछ वो लेके बेचते रहती है, तो वो बेचते रहती है बाजार में, और सेवई जो है बाजार में घूमने जाता है, बाजार में घूमने जाता है। तो वो महिला जहाँ पे रहती है वो अपन घर के पीछे जो है जहाँ शटर लगा रहता है दुकान में, वहाँ पे एक लौकी के बहुते बड़ा झुंड को जो है टांगे हुए रहती है। अब एकरा तो लौकी जहाँ ही देखता था जहाँ रुक जाता था, तो गया वो लौकी देख के उतर रुक गया। अब जो है उस लौकी में जो है अच्छा सा चुनने लगा। एगो और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि सेवई को वही लौकी पसंद था जो सीधा और चिकन होता था, ठीक है, जो पुराना होता था, नुकीला होता था, वो लौकी जो है सेवई को पसंद नहीं था। तो सेवई जो है उस लौकी के झुंड जो टंगा हुआ था बूढ़ी के पीछे शटर में, तो उसको जो है सर्च करने लगा कि आखिर इसमें बेटर मेरे लिए कौन सा है। तो वो उस झुंड में से एक लौकी देखता है कि एक वो सीधा लौकी है और 5 इंच लंबा है। वह देखकर उसका दिल का धड़कन जो है तेज हो जाता है, कहे कि आज तक इतना सुंदर लौकी जो है वो देखला ही नहीं था। तो देख के उसका दिल का धड़कन जो है तेज हो जाता है और वो कहता है बूढ़ी माँ से कि ये कितने का जो है लौकी है, लौकी कितने का है। तो बूढ़ी जो है जवाब देती है कि तुम बालक हो, बालक कहने का मतलब तुम अभी बच्चा हो, तुम्हें हम यह लौकी 10 सेन में दे देंगे। अब कहेंगे कि सर 10 सेन का होता है, जैसे भारत के रुपया, जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे ही जापान में सेन चलता है, सेन और एन, ठीक है, पैसा और रुपया भारत में कैसे होता है, तो वैसे ही वहाँ पे सेन और एन होता है। तो बूढ़ी माँ कहे कि ठीक है, तुम अभी लड़का हो, तुमको हम 10 सेन में जो है दे देंगे। तो वो जो है वो झुंड में से लौकी को उतारता है, बूढ़ी माँ के हाथ में दे देता है और कहता है कि हम आ रहे हैं 10 मिनट में घर से पैसा लेके, तुम इसको हाथ में ही रख ले रहना। अब ये हाँफते हुए घर पे जाता है, घर पे हाँफते हुए जाने के क्रम में फिर घर से दौड़ते हुए हाँफते हाँफते आता है, 10 सेन में उस लौकी को देकर ली आता है घरे, और घरे लिया के एकदम बढ़िया से उसको जो है साफ सुथरा करता है। और वो लौकी उसको इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो स्कूल भी, जैसे कि आज ले गया लौकी तो कल उसको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के क्रम में वो लौकी को जो है लेते गया स्कूल में, स्कूल में जो है उस लौकी को लेते गया। अब स्कूल में लेके जाता था, लेके आता था, तो एक दिन स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे और अब सब आदमी पढ़ रहा है, सब लेकिन क्लास में पढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि लौकिया के जो है प्रेस कर रहा है, साफ कर रहा है, चिकन कर रहा है। टीचर के नज़र जो है इस पे पड़ा, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में जो है लौका साफ कर रहे हैं, तो हम आपको लतियाएंगे नहीं। तो उसी प्रकार सेवई के साथ भी हुआ कि वो सब लेकिन पढ़ रहा है, ये जो है लौका को जो है साफ कर रहा है, तो साफ कर रहा है, तो टीचर के ध्यान इस पे पड़ी, इस पे डांट फटकार परा, मार परा कि तुम्हारे जैसा लड़का जो है इस दुनिया में कुछ नहीं करेगा, आज शाम के चलो हम आते हैं तेरे माता पिता से मिलने। अब इसका मुंह जो है पीला पड़ गया, घर पहुंचा तो घर एकदम उदासी से जाके वो कोना में जो है अपने रूम के कोना में जाके बैठ गया। अब डर था कि मास्टरों आ जावेला कहले है, तो कोना में जाके वो बैठ गया। मास्टर जो है कुछ देर बाद जो है इसके घर पे आते हैं, और मास्टर आते हैं तो घर पे माँ रहती है, लेकिन इसके पिताजी अभी तक बढ़ई की दुकान पर से नहीं आए थे। बढ़ई मतलब जानते हैं ना, कुर्सी टेबल बेंच बनाने वाले, उसी के दुकान पे जो है काम करते थे सेवई के पिताजी, तो अभी तक नहीं आए थे। माँ उनकी घर पर थी, सेवई की माँ जो है उनकी घर पर थी, और टीचर आ गया। अब टीचर आ गया तो सुनाएगा केकरा, तो सुनाएगा माँ को सुनाएगा।
तो टीचर जो है माँ को सुनाना स्टार्ट किया कि आप लोग लड़का पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका लड़का जो है बिगड़ रहा है, माता पिता का कर्तव्य है कि लड़का को सुधारना। ये कौन सा शौक पाल लिया है कि लौकी को इकट्ठा करना, लौकी पे सर्च करना, आप इसको सुधारिए। पूरा डांटा फटकारा किसको? माँ को, माँ को, ठीक है, माँ को डांटा फटकारा। और अपने जो है कोना में वो घर में बैठल था, तो फिर इसको माँ बुलाई, सॉरी सॉरी कहा टीचर से, जिंदगी में पहला बार से वही जो है सॉरी कहा था, ठीक है, तो सॉरी कहा। उसके बाद फिर कोना में जाके बैठ गया वो सेवई, टीचर चले गए। अब माँ जो है घर में जाकर रोने लगी। सिंपल सी बातें हैं, अगर हम गलती करते हैं तो हम बचपन में हमने के थोड़ी टीचर डांटता है, माई बाबू के आके डांटता है, तो माई बाबू के आके डांट रहा था, बाबूजी जो अगर दुकान पे थे, अब माई के आके डांट के मन भर गया टीचर। तो माई जो है उसकी रो रही थी कि दे, ये सब रोने का आवाज़ जो है सेवई सुन रहा था, ठीक है। अब जो है कुछ देर बाद जो है बढ़ई की दुकान पर से सेवई के पिताजी जो हैं वापस आते हैं। अब समझिए क्या हाल होगा उसके साथ, सेवई के साथ। तो सेवई के पिताजी जो हैं उसके माता जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो सिंपल सी बातें हैं, वो जो भी बात था सेवई के बारे में वो उसकी माताजी जो हैं उसके पिताजी से बता देते हैं। अब हमर घर मान के चले कि हम गलती किए हैं, हमर घर टीचर आके हमर माई के बोल देवे, तो पिताजी आएंगे तो क्या करेंगे आप सब जानते हैं। तो सेवई के पिताजी भी आए, जब जाने की टीचर आके ऐसे ऐसे बोल के गया है, सेवई को रूम में से कॉलर पकड़ के उठाएं और बाहर ले जाके बिग दिए, कहें गलिया में बिग दिए, और कहें कि तुम्हारे जैसा लड़का जो है जिंदगी में कभी भी कुछ काम नहीं कर सकता है, तुम आज के बाद जो है इस घर में रिटर्न नहीं आना। काहे बोले थे, काहे कि टीचर बेइज्जती करके गया था। और जब उसको कॉलर पकड़ के घर से बाहर धक्का दे के निकाल देते हैं, रिटर्न आते हैं, नज़र पड़ जाता है कि सेवई के रूम में जो है खाली लौके टांगले है। तो अपन हथौड़ी निकालते हैं और पूरा जितना भी लौका जो है वो सब फोड़ फाड़ देते हैं, ठीक है, वो सब फोड़ फाड़ देते हैं। अब जो है एगो और बात यहाँ पे है, जब सेवई एगो लौका खरीदा था बूढ़ी माँ से, जो एकदम चिकन था, गोल मटोल एकदम सीधा था, स्कूल में लेके गया था तो टीचर देख ले लेता, तो वो वाला लौकवा जो है टीचर जब्त कर लेता है, यानी कि टीचर अपने पास रख लेता है। और ओकरा बाद जो है घरे होकर जाता है, ये सब बात बताता है, तो पिताजी खूब मारते हैं सेवई के। अब जो है क्या होता है, तो टीचर जो जब्त किया हुआ रहता है लौका, वो जो है अपने स्कूल के जो काम करने वाला नहीं होता है, स्कूल के बूढ़ा एगो व्यक्ति था, उसी को जो है दे देता है, कूली को, बूढ़े कूली को जो है वो दे देता है। तो ये बूढ़ा कूली जो है ले जाके लौकवा जो है अपन घर में जो है रख देता है, घर में रख देता है, बूढ़ा कूली जो है ले जाके लौकवा अपन घर में रख देता है। रख देने के बाद जो है दो तीन महीना बाद बूढ़ा कूली को जो है कुछ पैसा के ज़रूरत पड़ता है, कूली मतलब सामान ढोने वाला होता है, तो स्कूल में वो ऐसा ऐसा होता है, सब है कि नहीं, सब स्कूल में जो है वो काम करने वाला होता है। तो लौकवा मास्टरवा उसको दे देता है बूढ़ा कूली को, तो ले जाके घर में रख देता है। घर में रखने के बाद जो है उसको कुछ दिन बाद जो है कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है ये लौका के उठा के ले जाता है दुकान पर बेचे के दो महीना बाद। हमने के यहाँ तो दो महीना में वो लौका शहर के का से का हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन अब का जानी जापान में कैसन सिस्टम था। दो महीना बाद वो बूढ़ा कूली जो है ले जाता है कूरियो डीलर के पास, कूरियो डीलर के पास ले जाता है, तो कहता है कि इस लौके को हमें बेचना है, आप कितना पैसा हमें देंगे, कितना पैसा देंगे। तो कूरियो डीलर पहले उस लौकी को जो है बहुत जांच पड़ताल करता है, तो कहता है कि हम इसका 5 एन देंगे,
पाँच एन देंगे, ठीक ना। जैसे कि वो ये सेवई जो है इसको कितना में खरीदा था, 10 सेन में खरीदा था, ठीक है। सेन कहे के मतलब कि हमनी के तरफ पैसा कैसे होता है, तो 100 पैसा में 1 रुपया, उसी प्रकार यहाँ पे सेन होता है उससे बड़ा जो है एन होता है। तो ये जो है सेवई ले गया जब कुरियो डीलर के पास, तो वो पहले कहा कि हम 5 एन में इसको जो है खरीद सकते हैं। तो बूढ़ी कुली जो है का कहा कि नहीं हम इसको नहीं बेचेंगे, और पैसा दीजिएगा तो हम बेच सकते हैं। तो फिर जो है कुरियो डीलर कहा कि ठीक है 10 एन में हम आपको ये लौका खरीद सकते हैं। कहा कि नहीं नहीं हम नहीं बेचेंगे। ये बूढ़ी कुली जो है बहुत तेज थी और सातिर भी बहुत थी और चालाक भी बहुत थी, ठीक है। कहते नहीं हम नहीं बेचेंगे। लास्ट में जो है कुरियो डीलर कहती है कि ठीक है हम इसका जो है 50 एन दे रहे हैं, 50 एन। तो 50 एन में जो है 50 एन में जपती लौकी को जो है बेच देती है बूढ़ी कुली, ठीक है, बेच देती है 50 एन में। और वो अपने आप को इतना चालाक मानती है कि स्कूल में जाके कौन से बताइबो नहीं करती है कि हम जो आप लौका दिए थे वो 50 एन में बेचे हैं। आ 50 एन ओकर एक साल के नहीं, हाँ एक साल के जो है का है, तो पूरा कमीनी था। तो वो तो बहुत खुश कि अब 50 एन हम बताएंगे तो मास्टर बाबा पैसा मांगे लेगा। तो नहीं बताती है, तेज रहती है, ठीक है। तो वो नहीं बताती है, लेकिन एकरा नहीं पता है कि एकरा से जो 50 एन में खरीदी है लौका जेकर नाम है कुरियो डीलर, वो एकरों से तेज है। कुरियो डीलर एकरो से तेज है। आ ई जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेकरा कहल जाता है जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर के पास जो है इहे लौका को ले जाकर बेचती है, कितना में, 600 एन में बेचती है। 50 एन में खरीद के आ उहे लौका को जो मास्टर छीन ले था केकरा से, सेवई से, उसको कुरियो डीलर जो है, सेवई कितना में खरीद ले था, 10 सेन में सेवई जो खरीद ले था, तो ओकरा से मास्टर छीन के जो है बूढ़ी कुली को दे दिया था। तो 50 सेन में जो है कुरियो डीलर के बेच दिया। अब कुरियो डीलर आउ तेज, ये 50 एन में खरीद के और जिला कलेक्टर से 600 एन में बेच दिया। तो बताइए सबसे तेज कौन, कुरियो डीलर। कुरियो डीलर 10 सेन के लौका के जो है 600 सेन में बेच देता है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, तो जब उसके पिताजी पूरा लौका के मार के फोड़ फाड़ के हथौड़ी से छोड़ छाड़ देते हैं, तो अब जो है ये इसका शौक खत्म हो जाता है, यानी कि सेवई का शौक खत्म हो जाता है। काहे कि उसके माता पिता उसके शौक में जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जो है जिस काम के लिए बहुत आपको मज़ा आता है, मान के चलिए कि हमको गाना गाने में अच्छा लगता है, गौर से कहेगा सब कमाए लिखाए कमाए कमाओ पढ़ो लिखो ये गाना गावे से लाइफ बनेगा। तो ऐसे ही सेवई के साथ हुआ था कि लौका उका करे से का करेगा, पढ़ो लिखो है कि नहीं। तब जो है सेवई काम को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो है वो अपना दूसरा हॉबी बनाना चाहता है और वो दूसरा हॉबी की तलाश में रहता है। तब फिर जो है उसके पिताजी जो है उसको डांटने लगते हैं कि तुम पेंटिंग बनाना सीखो, ठीक है, पेंटिंग बनाना सीखो। तो सेवई भी जो है पेंटिंग बनाना जो है सीखने लगता है, क्योंकि माता पिता का बात जो है मानना पड़ता है लास्ट में, है कि नहीं। तो सेवई जो है पेंटिंग बनाना सीखने लगता है। तब जो है यही पूरी कहानी थी। हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि यह कहानी जो है आपके दिमाग में इस प्रकार फिट हुई होगी कि कहियो निकले वाला तो बातें नहीं है। द आर्टिस्ट सिगा नोया। अगर यह कहानी थोड़ा सा भी आपको जो है इंटरेस्टेड लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा सर, और इससे रिलेटेड प्रश्नों को जो है फिर हम लोग शाम के क्लासेस में लेकर आएंगे और आपको जो है उससे सब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाएंगे। ये कहानी हमें पूरा विश्वास है कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, बहुत अच्छा कहानी था, ठीक है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।